जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल जबार है और ये रहीम यार खान, शहर अड्डा गुलमर्ग। इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है और ये वीडियो मैं MSK वेदर अपडेट ग्रुप के लिए बना रहा हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है जी। अस्सलाम वालेकुम, रहीम यार खान शहर में तूफ़ानी बारिश शुरू। ये वीडियो MSK की जानिब से बन रही है। ज़िले रहीमिया खान में बारिश शुरू हो गई है। तंडा सवाई का खान के साथ ही है, यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, ये वीडियो MSK वेदर के लिए बनाई जा रही है। रहीमिया खान दड़ी सांगी पे पिछले 45 मिनट से गरज चमक के साथ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। 3 दिन मौसम साफ रहने के बाद, धूप निकलने के बाद आज फिर मौसम चेंज हुआ है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। पिछले 45 मिनट से यही बारिश की कंडीशन है, इस तरह ही बारिश हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये जी कोटसवा बाबा हैं। कोटसवा में अच्छी खासी बारिश हो रही है इस वक्त, शाम का टाइम है। हाँ जी, लियाकतपुर डिस्ट्रिक्ट रहीमयार खान मलिक नवीद, दरमियाने से तेज़ बूंदाबांदी, तेज़ हवा के साथ अच्छी बूंदाबांदी, मोटी बारिश शुरू हो चुकी है। पिछले 15 मिनट से बारिश जारी है जी। तेज हवा के साथ बूंदाबांदी जा रही अस्सलाम वालेकुम जी, ये कोटसवा ज़िले में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तकरीबन ये बारिश 35 से 40 मिनट हो गए हैं चल रही है और ये ज़िला रहीमयार खान का एक शहर है और ये नज़दीकी एरिया सिंध पंजाब बॉर्डर कोटसवा ज़िला है। सिंध पंजाब बॉर्डर कोटसवा ज़िला है और ये तकरीबन अलैकुम जी, आसिम सादकाबाद से मैं ये वीडियो MSK वेदर अपडेट के लिए बना रहा हूँ। ये देखें जी, सादकाबाद में बारिश और पानी।
ये वीडियो तहसील कोटद्दू से मैं एमएस के वेदर अपडेट के लिए बना रहा हूँ। मुनव्वर सलीम खोकर साहब माशाल्लाह उन्होंने पेशगोई की थी कि पूरे जनूबी पंजाब में बारिशें होंगी और इस वक्त शाम के तकरीबन 5:30 बजे हैं और आप ये देख सकते हैं तकरीबन 30 मिनट से मूसलाधार बारिश है और ये आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश जारी है और ये वीडियो एमएस के वेदर अपडेट के लिए बनाई गई है। मुनव्वर सलीम खोकर साहब को ने अपडेट की थी कि जनूबी पंजाब में बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिश जारी है। सादिकाबाद में इंतहाई तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है। ये वीडियो एमएस के वेदर के लिए बनाई गई है और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 5 मिनट से जारी है।